गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग काम किए थे वेक्टर्स के सेकंड लेक्चर पर, जिसमें मैंने आपको वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में सिखाया, और आज उस वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, जिनमें पहला क्वेश्चन हमारा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री इन स्टॉक मॉडल। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वर्ड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आप सभी जानते हैं कि अगर ईस्ट है तो इसे हम लोग वेस्ट कहते हैं, इसे नॉर्थ कहते हैं, और ये क्या होता है साउथ। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल एक डिस्प्लेसमेंट ने बनाया है, 40 डिग्री 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच हो, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच हो। ऑफ के साथ नॉर्थ है ना, ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के साथ उस वेक्टर ने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा, नॉर्थ के साथ उस वेक्टर ने 30 डिग्री का एंगल को बनाया होगा, लेफ्ट साइड। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 40 किलोमीटर का है। डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर का है, इसका मतलब अगर मैं इसे ओरिजिन 0 मान रहा हूं, मान लो एक यूनिट 10 है, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये क्या दिखाएगा यहां से यहां तक, ये दिखाएगा 40। मतलब आप ओए वेक्टर को लिख सकते हैं, व्हाट ओए वेक्टर को लिख सकते हैं 40 किलोमीटर क्योंकि मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या इसका है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ई ऑफ एन, ई ऑफ एन मीन्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ऑफ के बाद जो डायरेक्शन दिया गया है उसके साथ आपको एंगल फॉर्म करना है, तो ऑफ के बाद नॉर्थ है, मीन्स नॉर्थ के साथ उसने एंगल फॉर्म किया, कितना डिग्री फॉर्म किया गया 30 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो 40 किलोमीटर का हुआ। ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है, नोट सब कर लोगे, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है आइडेंटिफाई द वेक्टर्स व्हिच इज कोइनिशियल इक्वल और कोलिनियर। मैं कल आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कोइनिशियल वेक्टर, उस वेक्टर को कहता हूं जो एक ही पॉइंट से निकले। देखिए वेक्टर ए बी यहीं से निकल रहा है, वेक्टर डी बी यहीं से प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब कोइनिशियल का एग्जाम्पल क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, ये दोनों क्या हो गया कोइनिशियल। इक्वल वेक्टर का मतलब मैं पढ़ाया था क्या होता है, डायरेक्शन भी सेम और उसकी लंबाई भी सेम, वेक्टर ए बी धरती और वेक्टर सी या कोई हो गया ना नॉट इक्वल, वेक्टर बी भी नीचे है, वेक्टर डी भी नीचे है, और ये चारों साइड सेम है ना, इसका मतलब समझ जाओ ये दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया आपका इक्वल वेक्टर, मींस डी एंड व्हाट बी। उसके बाद का कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर का मतलब मैं पढ़ाया था कि कोलिनियर का मतलब होता है उसका डायरेक्शन सेम हो या नहीं हो, उसका मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो या नहीं हो उसका मतलब नहीं, बट आपस में वो क्या हो पैरेलल, इसका मतलब कोलिनियर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो आपका डी और बी भी है, कोलिनियर सी और ए भी है, बट नॉट इक्वल मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बी और डी तो इक्वल है ना, अब नेक्स्ट ऑप्शन कौन बचा ए और सी बचा, इसका मतलब ये कोलिनियर बट नॉट इक्वल में आंसर क्या आएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, इसमें मैंने कल काम किया था। ये आपका क्वेश्चन था दोनों जो कि पिछले वीडियो में नहीं आया था, उसको मैं आज से बोल दिया हूं, चलो सब नोट कर लिए उसको, हो गए आगे बढ़ो। नेक्स्ट आप हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको आपने दिया पहले फर्स्ट में, सभी टॉपिक बनाओगे फर्स्ट में आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए तो इससे शुरुआत करेंगे हम लोग, अभी तक इस बेंच एडिशन ऑफ वेक्टर्स का हम काम करेंगे, तो एडिशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, जिस तरह आप लोग याद कीजिए क्लास है,
दूसरे से बढ़ जा रहे हैं, 2+3 होता है 4, ये बिल्कुल सही है, बट वेक्टर का एडिशन एल्जेब्रिकली नहीं होता है। इसको आपसे पूछे हैं क्या वेक्टर्स को हम एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं, तो कहो सर मत हो सकते। तो उसके लिए हम लोग के पास दो रूल आएगा, एक पहला रूल है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक इस रूल पर मैं काम करूंगा। और सेकंड फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस दोनों पर मैं रिकॉर्ड शुरू करूंगा, सभी इस पर ध्यान अच्छे से दो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, चलिए सर इसको ध्यान से समझो पहले। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? देखो मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल के तीन साइड में दो साइड दिया हुआ है। सपोज करो तुम्हारे पास एक वेक्टर ए बी, मतलब प्रोड्यूस कहां से हुआ, इस गया कहां पर, बी से। फिर बी से एक और वेक्टर चला, उसका नाम क्या है, वेक्टर बी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल के दो साइड है वेक्टर के रूप में, एक ए बी साइड दूसरा साइड बी सी, तो इस दोनों वेक्टर का सम मींस इस दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, इस दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, ए सी होगा। मतलब ए से बी गया ए बी, बी से सी गया बी सी, ट्रायंगल का दो साइड। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे चलना पाना कहां से किया, कैसे किया, फाइनली कहां पहुंचा, फाइनली पहुंचा कहां पर, सी पर। तो इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब टोटल मींस नेट, जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो क्या हो गया, वेक्टर एसी हो गया। इसको आप डिस्प्लेसमेंट के रूप में क्लास 9 में पढ़े थे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इस क्वालिटी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग चलना पाना किए ए से ए इनिशियल था और फाइनली कहां पहुंचे, सी पर, सी क्या है फाइनल, एसी क्या हो गया, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना होगा, अलोंग द एसी, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पहला रूल था कि अगर ट्रायंगल के दो साइड दो वेक्टर को शो कर रहे हैं तो उसमें आपका थर्ड साइड जो होगा, जो फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल को लास्ट वेक्टर के फाइनल से ज्वाइन कर रहा है, वो आपका ट्रायंगल का दो साइड्स का सम के रूप में इक्वल होगा। इसी को एक्सटेंड कर दें, मान लो मैं इस वेक्टर को सपोज करो कि अगर सपोज करो ए मान, इसे वेक्टर बी मान, वेक्टर क्या हो गया आपका ए प्लस बी कहोगे ना। अगर इसको मैं ए माना, ए बी का मान ए पुट कर दूंगा, इसी का मान क्या पुट करूंगा, बी पुट करूंगा, इसी का मान क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस सी, सही है। अब इसी में एक्सटेंड कर रहा हूं क्या, मान लो कि मैंने बी सी वेक्टर को पीछे की ओर टेंड किया, पीछे मतलब तो क्या होता है उसके जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट, इस तरह से एक्सटेंड किया कि जो लंबाई बीसी की है वही लंबाई इसकी भी है। मतलब मान लो इस पॉइंट को डी मान लिया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम थी डिफरेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा बी होगा, बट दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है ना, डायरेक्शन अपोजिट, तो इस वेक्टर को इसका नेगेटिव कहेंगे ना, मतलब ये वेक्टर अगर बी है तो उसका नेगेटिव इस तरफ होगा, तो नेगेटिव माइनस बी हो गया। तो अब अगर मैं पूछूं चलना पड़ा ए से किया, ए से कहां गया बी गया, बी से कहां गया डी आया, रिएक्टेंट कौन सा हो गया एडी हो गया नहीं हो गया, तो बोलो मैं फिर ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ से क्या कहेंगे, ट्रायंगल लॉ से कहेंगे सर ए बी आपने ए से चलना पड़ा किया कहां गया बी गया, फिर बी से कहां आया डी से आया, तो वेक्टर ए बी प्लस बी डी दोनों में क्या बनाएगा एडी, इसको एडी लिख दिया, एडी वेक्टर को हम लोग वेक्टर ए कर सकते हैं, बीडी वेक्टर को क्या कर सकते हैं माइनस बी कर सकते हैं, और एडी वेक्टर को क्या छोड़ दिए एडी ही छोड़ दिए, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। इसका मतलब क्या होगा सर, एडी वेक्टर को हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं ए माइनस व्हाट, ए माइनस बी, इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। ये था आपका, ये था सम ऑफ टू वेक्टर, ये था सम ऑफ टू वेक्टर्स, और ये क्या हुआ, ये हुआ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, नहीं दो वेक्टर का डिफरेंस हो गया ना, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। ये हम लोग तो डिस्कस किए हैं कि कैसे सम और डिफरेंस को एक ट्रायंगल में ही इंक्लूड कर दिया।
ठीक है, ट्रायंगल का दो साइड अगर डायरेक्टर के रूप में है, थर्ड साइड इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने वाला हो, उस वो आपका उस दोनों वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट। ठीक है, तो मैं पूछूंगा अभी अगर आपसे मान लो कि सपोज करो, जब उसने क्वेश्चन में वो कैसे पूछता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये डायरेक्शन किधर था, ये आपका ईस्ट होता है सब जानते हो, ये क्या होता है वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन क्या है ईस्ट, ये क्या है, ये क्या है नॉर्थ ईस्ट, इसको ईस्ट कहेंगे, ये क्या है नॉर्थ ईस्ट, रिएक्टेंट भी क्या हो गया, रिएक्टेंट भी किधर आया, इधर ही आया ना, रिएक्टेंट भी नॉर्थ ईस्ट नहीं आया, इसका मतलब कि आपका रिएक्टेंट भी नॉर्थ ईस्ट है, इन सारे चीज को ध्यान रखोगे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे कहना चाहिए नॉट ड्रॉ पास्ट ईस्ट, तो ये मैं डिस्कस किया था अभी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में, इसी में एक चीज मैं और डिस्कस कर रहा हूं, उस पर सब ध्यान दो, सिंपल बिल्कुल ध्यान रखना। मान लिया जाए कि आपके पास एक ट्रायंगल का पहला साइड ए बी, ए से बी यू इस तरह है, ठीक है, दूसरा आपने बी से सी गया यू इस तरह से, तीसरा फिर सी से ए आ गया, इसका मतलब तीनों साइड को मैं ऑर्डर में लिया, ऑर्डर मतलब क्या लिया, ए बी, फिर क्या गया बी सी, फिर क्या आया सी ए, नहीं आ गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए गया, जहां से चला फाइनली वहीं पहुंच गया ना, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो, इसका मतलब इस तीनों का रिजल्टेंट आपका वेक्टर ए ए होगा, ए से गए, ए से चलना प्रारंभ किए, फाइनली कहां पहुंच गए, ए पहुंच गए, रिजल्टेंट पहला पॉइंट इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन से मैं जो बात, इनिशियल भी ए फाइनल भी ए, ए के बीच का गैप कितना हो गया जीरो हो गया, इसका मतलब ए के बीच का गैप जीरो मतलब उस वेक्टर का मैजिक कितना हो गया जीरो हो गया, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, ए बी बी सी सी ए लगातार लिया ऑर्डर में, तुम लगातार लेंगे तो समझ जाना कि उस तीनों साइड जो आपका वेक्टर्स के रूप में दिया हुआ होगा उसका सम क्या होगा जीरो जीरो। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, ए बी मैं इस तरह लिया, मान लो मैंने यहां लिया पी क्यू, यहां लिया फिर क्यू आर, और ये लिया अगर पी आर, इसको ऑर्डर में नहीं कहेंगे ना, ये पहले पी क्यू आया फिर क्यू आर आया फिर पी आर आया ना, इट इज नॉट इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब लगातार पी क्यू क्यू आर आर पी, अगर आर पी लेता मैं इस तरह से लेता तो बोलो पी क्यू क्यू आर और आर पी तीनों का सम क्या होगा, स्टार्ट भी किए पी से पहुंचे भी कहां पर पी पर, पी से पी वेक्टर की दूरी कितनी होगी जीरो, सन्मान क्या बोले मतलब जहां से चलना है वो पहले आया, जहां तक पहुंचे हैं वो बाद में आया, दोनों वेक्टर मिले क्या बनेगा जीरो वेक्टर बनेगा। ठीक है ना, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा सभी, ये एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक था जिसको हम लोग पढ़ा दिए, मतलब यहां से आप निष्कर्ष क्या मिला, तो कहोगे सर यहां से कंक्लूजन यही मिला कि इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज टेकन इन ऑर्डर देन सम इज व्हाट जीरो वेक्टर, नहीं सम क्या बनेगा जीरो वेक्टर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखो बहुत अच्छे से, एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक था उसको डिस्कस किया मैंने। चलिए फास्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं अभी कि पैलोराम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैलोराम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए अब सिंपल ये भी है, पैलोराम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है इस टॉपिक को डिस्कस करना आसान है, समझने को प्रयास करें। सबसे पहली बात तो इस लॉ को यूज कब करेंगे, क्यों करेंगे, सवाल ये आप देखते हो कई बार एक बोट है, मान लो एक बोट है, सपोज बोट, बोट
का इंजन इंजन बोट को चलाने का काम करता है। बोट का इंजन मान लो चाह रहा है कि बोट को हम इस किनारे से इस किनारे तक पहुंचा इस तरह से, लेकिन पानी सपोज करो ऐसे फ्लो कर रहा है, पानी इधर फ्लो कर रहा है, पानी मान लो यू इस तरफ फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, बोट इधर मूव करना चाह रहा है, ये डायरेक्शन किसका हो गया, ये डायरेक्शन बोट के इंजन का जो वेलोसिटी उसका हो गया, और ये डायरेक्शन किसका है, रिवर में जो पानी है उसका जो डायरेक्शन मूवमेंट का वो हो गया। अब क्या होगा, बोट ना तो इधर मूव करेगा ना तो इधर मूव करेगा, क्या कि बोट का इंजन बोट को इस तरफ मूव करना चाहेगा और नदी का पानी उस बोट को अपनी ओर मिस इस तरह लेना चाहेगा, तो बोट ना इस तरफ मूव करेगा बोट ना ही इस तरफ मूव करेगा, बोट क्या करेगा, बोट इस दोनों के वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा उसकी ओर मूव करेगा। आप लोग फिजिक्स में कई बार पढ़ोगे कि अगर दो वेक्टर को इनिशियल होता है, को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट हुआ है, ये वेक्टर भी इसी पॉइंट से हुआ, ये वेक्टर इसी पॉइंट से हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर इस दोनों के बिल्कुल बीच से निकलता है, पढ़े हो ना, रिजल्टेंट वेक्टर इस दोनों के बिल्कुल बीच से निकलता है। हम लोग पढ़ना क्या है ना कि मान लो कि इंजन का वेलोसिटी सपोज करो ए, क्या मान ली ए, एक इसका मतलब इंजन मतलब के, और मान लो रिवर जो मेरे पानी फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या मान ली बी, इंजन का वेलोसिटी क्या है ए है, और रिवर में जो पानी मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या है ये इंजन की वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये रिवर में मूव करने वाले पानी के वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ही कि इंजन का वेलोसिटी और पानी का वेलोसिटी ये दोनों आपस में कोइंसिडेंट वेक्टर, हम क्या कर रहे हैं रिजल्टेंट निकालना, फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे अगर दो वेक्टर इस पर आता है तो रिएक्टेंट उसके बीच से निकलता है ना, रिएक्टेंट उसके बीच से इस पर निकलेगा कि अगर ये ए है इसी के पैरेलल एक और वेक्टर लिए, पैरेलल लिए बिल्कुल पैरेलल, डायरेक्शन दोनों का सेम है और मैग्नीट्यूड भी दोनों का मान लो क्या लिए सेम लिए, मतलब जितना लंबाई इस वेक्टर का है उतना ही लंबाई इसका लिए, डायरेक्शन सेम दिखाई पड़ रहा है, इस वेक्टर को भी वेक्टर ए कहेंगे, अपोजिट साइड क्या इसका होगा पैडल भी हो गया, उस तरह जिस तरह से ये वेक्टर भी है उस तरह से इस वेक्टर को भी, ये भी क्या हो गया वेक्टर भी कहलाएगा, बीच दोनों को भी पैडल कहेंगे और ये इसके इक्वल भी, दोनों वेक्टर ये इसके इक्वल हो गया ये इसके, ठीक है ना, बोलो ये किसका था वेलोसिटी इंजन का, ये किसका था वेलोसिटी करंट का, ये ट्रायंगल बन जाएगा कैसे, मान लो अगर मैं इसको ए पॉइंट मान रहा हूं, ये बी मान रहा हूं, ये सी मान रहा हूं, ये डी मान रहा हूं, तो एक वेक्टर ए इधर गया बी उधर गया, रिजल्टेंट क्या इसका हो गया ए सी, सही है, रिजल्टेंट क्या इसका हो गया ए सी, रिजल्टेंट ए सी जो है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है ए और बी दोनों का रिजल्टेंट का दिखा रहा है, मतलब बोट ना तो इधर मूव करेगा बोट ना ही इधर मूव करेगा, बोट मूव करता है रिजल्टेंट वेलोसिटी की दिशा में, इसका मतलब बोट मूव करेगा इस डायनोक्स के अराउंड, और ये डायनोक्स किसका है तो भाव के साथ प्रोग्राम का है, क्यों है कि अपोजिट साइड क्या है पैडल, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं अगर किसी प्रोग्राम का दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ हमारे पास, एक ए दिया हुआ है एक बी दिया हुआ है, तो उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन जो होगा वो उसका डायनोक्स के अराउंड नहीं जो उसके बीच निकलता है, that means the resultant of the two adjacent sides of parabola is just along the diagonal of the parabola, that's right। ये हम लोग का पहला थिंग था कि parabola लोग क्यों पढ़ते हैं, मुझे सिखा दिया आपको, दो वेक्टर एक ही पॉइंट गुजर रहा है, मतलब एक मान इंजन इस पर गया और बोट में जो पानी फ्लो कर रहा था वो पानी जो नदी में फ्लो कर रहा वो इधर गया, तो बोट ना इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, बोट बिल्कुल इधर मूव करेगा, इसको पैराग्राम कंप्लीट करने के बाद जो डायगोनल होगा पैराग्राम का बोट उस डायरेक्शन में मूव करेगा, और बोट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मींस बोट की वेलोसिटी ना तो इंजन के इक्वल होगी ना ही इसके इक्वल होगी, बोट की वेलोसिटी इस दोनों के अलावा इस डायगोनल की लंबाई जो होगी दैट मींस डायगोनल ऑफ पैराग्राम का जो लेंथ होगा उसके इक्वल होगा बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी,
डायरेक्शन नॉर्म चल गया हम लोग को, और निकाले किसके हेल्प से, निकाले ट्रायंगल लोग हेल्प से नहीं, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इफ वी हैव हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है, दिखाता है, दर्शाता है, टू मीन्स दो, किसको, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को, देन इट्स रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल, ठीक है, जो मैं आपको बुक में फिगर में दिखा रहा हूं, इसको अपने ध्यान बहुत अच्छे से ये तो लोग हो गया। चलो हम लोग अभी दो लॉ पर काम किए, एक लॉ पे हम और काम कर रहे हैं कि कोई पूछे आपसे अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर का क्या मीनिंग है, ऑफ ए वेक्टर का क्या मीनिंग है, ऐसे यू तो आप लोग पढ़े हैं मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, इसको आप खड़ा करके एक थर्ड टाइप करके हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये क्या होता है, तुम लोग मान लो हमारे पास एक पॉइंट ए ओ वन वेक्टर की लंबाई 10, 20, 30, 40, ये कितनी है 50 तक, नहीं ये वेक्टर कितना है 50 किलोमीटर तक, ठीक है, इसको हम वेक्टर ए मानते हैं, क्या मानते हैं, ए मानते हैं, इसी के पैरेलल एक और वेक्टर लिखो, ये मान लो दिया हुआ है कितना 10, 20, बस 20 दिया हुआ है, इस वेक्टर को क्या कहेंगे, अगर ये मान लो 40 है, ये मान लो अभी ये 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट है, ये कितना है, ये मान लो ये आपका 4 यूनिट सिर्फ है, सिर्फ 4 यूनिट है, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम की अपोजिट, डायरेक्शन सेम बट इसका लेंथ, इसका हाफ एक डबल है, इसका लेंथ इसका हाफ, इसका मतलब इसको 1/2 एक है, डायरेक्शन वही दिखा रहा बट 1/2 से गुना किए ना, 1/2 से गुना किए, जो 1/2 भी कोई करते हैं स्केलर या स्केलर हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए, वही मान लो कोई बंदा ये करता ऐसे रहता इस तरफ से, व्हाट इज दिस, ये दोनों भी आपस में बिल्कुल होगा पैरेलल के एंटी पैरेलल, ये उल्टा हो गया, उल्टा मीन्स एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन उलट गया, डायरेक्शन उलट के आगे क्या लग गया माइनस, लेंथ इसका हाफ एज 1/2 वही मान लो कि आपने क्या करता एक और इंटरेक्ट करिए ओ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोलो ये क्या तो कर रहा है, देखा होगा सर क्या तो कर रहा है, ए का डबल है ना, दैट मींस इसको आप लोग 2a कहिए, तो लैम्डा के रूप में लैम्डा एक स्केलर को कहते हैं, लैम्डा का यूज मैथ में स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, तो लैम्डा के रूप में काम कौन किया दो, यहाँ लैम्डा में काम कौन किया 1/2 किया, यहाँ काम कौन किया माइनस 1/2 किया, लैम्डा का मतलब होता है स्केलर, और स्केलर का मीनिंग आप सब जानते हैं क्या होता है, एक कांस्टेंट होगा जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये भी क्या स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्या स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेक्टर का निकालने का तरीका है, उसको आप अच्छे से, ठीक है, सेम आ गया, मतलब कोई वेक्टर दिया हुआ है उसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है उसको हम एक फिगर के थ्रू समझाएं, तो ध्यान रखना, देखो